इस्तीफा दे दें जी, बिजभूषण से कोई इस्तीफा मांगने का क्या अधिकार, कैसे मांगने, किस आरोप से मांग रहे हो, क्या आरोप लगा रहे हो भाई, काहे कोई फर्जी आरोप लगा रहे हो तुम्हें, कौन शोषण का, यौन शोषण कहाँ हुआ, किसे कहीं साबित तो करा जाए उसे, ऐसे हम ऐसा आपको मैं कह दूं तो आपका मान हो जाएगा, झूठ मैंने, अरे भाई साहब यहाँ ना ना भाई साहब यहाँ बजाई थी, हमने नहीं बजाई थी, आपने हुड्डा हुड्डा साहब का क्या नाम, आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से हूँ। क्या नाम है आपका? संजय शर्मा। आपका क्या नाम है? मेरा परशुराम। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। तो क्या आप नेताजी को बिल्कुल नजदीक से जानते हैं? कुछ जानता हूँ जी, आप समझे, बिल्कुल बिजभूषण जी को जानता हूँ, आज इतने दिन से अध्यक्ष थे, कोई आरोप नहीं, आज ऐसा क्यों लगा रहे हैं आरोप, इसका फर्जी लगाया था उसके लिए तो, पिछले साल भी लगाया, पिछले साल नहीं लगाया था, सुनिए ना सुनिए, अब चुप रहे ना, 2018 में जो लड़की आरोप लगा रही वो लड़की उनकी तारीफ कर रही थी, तो 2018, 2017, 2016, 2014 में वो लड़की तारीफ क्यों कर रही थी, आरोप क्यों नहीं लगाएगा? अरे तो विपक्ष में कुछ पावर भी तो कुछ चीज होती है देश के अंदर, जिसके पास पावर है उसके खिलाफ पावर का माहौल बना, तो अभी भी वही है, अभी कहां चेंज हो गई, तब भी बीजेपी सरकार अभी जनता साथ उसके, क्या कहेंगे, कहने का मतलब ये है कि जो फर्जी जो काम कर रहे हैं, कोई कोई प्रमाणित चीज माना जाएगा, वो गैर प्रमाणित चीज कोई नहीं माना जाएगा, जो उसको उसने कह रहा है अपने मुख से कह रहा है कि आप सर्वे के लिए हर चीज देखिए, अगर मैं अगर कोई जरा सा कहीं मेरे पास हो तो मैं अपने को स्वीकार, गलती मैं अपनी स्वीकार कर रहा हूँ, उसने अपने मुंह से कहा है, आप भी देखेगा इन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा, तो इनने कहा, बिजभूषण सरन ने कहा कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं मैं फांसी पे टंगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आरोप सिद्ध नहीं हुई तो पहलवान क्या कहेंगे? अरे मैं यूँ कह रहा हूँ, देश के अंदर विपक्ष अगर कोई इंक्वायरी तो करवाओ, CBI NIA जो CBI है CBI को भिजवा दो वहाँ पर जाकर, उनके खिलाफ पुलिस में केस तो करवा दो, उनने खुद कहा CBI जाँच कराओ, अरे तो इतने भाई जो कानून के कहा कि जो कानून जो सजा सबको मिले हमको मिलना चाहिए, मुझे मुझे कहीं हमारा देखो तो कहीं कोई ऐसा आरोप कोई आप कोई सिद्ध करो, कोई सिद्ध करना चाहता हूँ, जो देश की बेटी देश के लिए मेडल लेकर आई थी आज वही जनता देश की बेटियों के साथ क्यों नहीं है? सुनिए ना सुनिए, नहीं है यूँ बताइए मुझे क्यों भाई क्यों नहीं है, वो देश की बेटियां जब देश के लिए 125 करोड़ की आबादी में जब 5 देश की बेटियां देश के लिए पदक लाई थी, साक्षी मलिक पदक लाई थी, तब क्यों नहीं आई थी वापस? सवाल 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 मोदी जी ने बोला था, अब आप भी सुन रहे हैं, आप हमारी भी सुनिए, पदक लाई अच्छी बात है, मेडल लाई अच्छी बात है, लेकिन और अखाड़े और पहलवान जंतर मंतर में क्यों इकट्ठे नहीं हो रहे? कुछ बात होगी उनकी, इसलिए यही बात जी, तो मोदी बात तो मोदी जी बुलाए ना उनको, बुलाए ना उनको मोदी जी, क्या हो चाहता है क्या मोदी को भगाऊं, यही राजनीति चल रहा है, चलता ये लोग मोदी को भगाए, पहलवान सबसे सोचता है मोदी को भगाऊं, यही बात चल रहा है यहाँ पे, यहाँ साजिश रची गई है कि इनको आरोप लगाया जाए, इनको कलंक लगाया जाए, उसके बाद तो ऐसे फर्जी कलंक लगाने से थोड़े होगा, वहाँ अब जब उसने स्वीकार करा कि हमारा प्रमाणित कोई चीज दिखाओ, कि जब तक प्रमाणित नहीं होगा तब तक मान्य नहीं करो, जो बबीता फोगाट जी जो कर रही है उनकी खुद की बहन भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, तो वो खुद अपनी पार्टी में बीजेपी में, फिर वो बीजेपी के खिलाफ क्यों बैठी है ये बताइए, अभी सोचने की बात है, वो उनकी मर्जी, पारिवारिक संबंध भी तो आड़े आते हैं, अच्छा बहन बहन से लड़ गई, पर यूं नहीं है कि मोदी जी ने बुलाकर काम कर ले कि ब्रजभूषण जी आपने क्यों आरोप, क्या काम कर दिया आपने ऐसा कि देश की बेटी आपके खिलाफ आ गई? सुनिए ना सुनिए एक मिनट, सवाल, आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, कानून को मानते हैं, ठीक है, तो अब पहलवान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये क्यों बोल रहे हैं कि हमारी खाप पंचायत जो निर्णय देगी हम वो मान करेंगे, कहा सुप्रीम कोर्ट का, जनता जनार्दन साथ में है ना, सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला कोर्ट जनता को, अभी आप कह रहे हो जनता, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि FIR करो तब जाके, तो FIR करिए उन्होंने, तो सुप्रीम कोर्ट की अब क्यों नहीं मान रहे, जब उन्होंने कहा कि अब आगे निचली अदालत में जाओ, तो अब कह रहे हैं खाप पंचायत जो कहेगी वो मारेंगे, खाप पंचायत कहेगी धरने पे बैठना तो बैठेंगे, वो कहेगी उठ जाओ तो उठ जाएंगे, सरकार नाम की भी इस देश में कोई चीज है, पावर नाम की कोई चीज है, तो पहलवान का आपको बोल रहे हैं, ये पहलवान है जाट जो देश के किसान से जुड़ा हुआ है, देश का किसान और देश का जवान इस देश की सरकार चलाता है, और आने वाले टाइम पे बता देगा कि सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार पहले भी झुकी थी और इस बार भी झुकेगी, मैं आपसे सवाल तो सबसे बड़ा ये है ना, फोगाट परिवार के अलावा बजरंग पुनिया के अलावा और पहलवान अखाड़े क्यों नहीं आ रहे, तो फिर क्यों नहीं है वहाँ पे देश की जंतर मंतर में जो बेटा बेटी हुए उनके साथ में इतने सारे पहलवान है उनके, देखिए क्यों नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है,
कपिल देव ने ट्वीट करा कि कपिल देव खराब है, ट्वीट करने से हेलो यही जंतर मंतर पे क्यों नहीं आ रहे, क्यों आमिर खान क्यों नहीं आ रहे, दीपिका क्यों नहीं कर, दीपिका आमिर खान ने तो दंगल, दीपिका दीपिका पादुकोण टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ पूछी थी, तब जाके इसी मीडिया ने उस दीपिका पादुकोण को देश विरोधी बना दिया था। आप मेरी बात से समझ नहीं है, बेटियों के साथ क्यों नहीं आ रही दीपिका। मैं आप दीपिका जी से बोलना चाहूंगा कि आप भी देश की, आमिर खान से भी बोलो दंगल फिल्म बनाई थी, आमिर खान से भी बोलो, यहाँ पर बैठने वाले तमाम दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि देश की बेटियों के साथ आए, आमिर खान से भी बोलो दंगल। इसका मतलब ये है कि जब तक कोई साथ में नहीं आएगा जब तक मतलब सरकार गलत नहीं मानेगी, गलत नहीं नहीं मानेगी, जब तक कोई उनके साथ नहीं आएगा जब तक कोई मतलब मानेगी। कोई बेटी है देश की जो देश का देश के लिए सोने का मेडल, मेरा सबसे बड़ा सवाल है, सुनिए सुनिए सवाल सवाल ले लो, अगर कोई मौखिक तौर पे आप पे आरोप लगा दे कोई भी लड़की तो क्या आप मान लेंगे नैतिकता से आपको मुजरिम ठहरा, नैतिकता से अगर मेरे ऊपर दबाव आएगा नैतिकता से मेरे पर मेरा पद से इस्तीफा दे दूंगा, नैतिकता से मैं नैतिकता देने के लिए तैयार है, कहां दो ना तो फिर दो कह रहे जेल कर दो ना फिर दो दो क्यों नहीं दो कह रहे दो ना तो इस्तीफा देने के लिए तैयार है जंतर मंतर से तो उठे, अरे तू तो इस्तीफा दे दो कल उठवा देंगे, इस्तीफा दिला दो कल उठवा देंगे, इस्तीफा कराना दिलवा दो आप तो कल उठवा देंगे, मोदी जी वो कह रहे हैं क्या मोदी जी कह देंगे तो इस्तीफा दे देंगे हम, इसका मतलब उन्होंने मोदी जी ने कहा है उनको कि ब्रजभूषण जी आप बैठे रहो इस्तीफा मत दो मैं आपके साथ हूँ। पहलवान यहाँ पर जब देश के पहलवान देश के लिए मेडल लेकर आए थे गोल्ड मेडल, सब पूरे देश ने तालियां बजा के स्वागत करा था, आज वही देश के जवान जंतर मंतर में बैठे हैं तो देश के जवान कोई नहीं सुन रहा है उनकी, सुनने के लिए आना चाहिए ना सरकार को कौन ने कोई आतो सही आई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, एफआईआर दर्ज की गई है, तो देश के वो बोल रहे हैं कि देश के अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे तो इस्तीफा दे दूंगा, तो प्रधानमंत्री नहीं कह सकते इस चीज को कि दे दो इस्तीफा, इस्तीफा बड़ा है कि इस चीज देश से, जो देश के जवान जो देश के जवान और देश के पहलवान जो देश के नाम रोशन कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ में एशियन गेम्स में सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुश्ती के लिए, लेकिन ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं मौखिक तौर पर तो आरोप लगा रहे हो आप, तथ्य तो लाओ सबूत तो लाओ तब ना कार्रवाई होगी तब ना गिरफ्तारी होगी, आरोप मौखिक तौर पर अगर कोई आप पे लगा दे तो आप उसको जायज मान लेंगे, अरे तो देश के अंदर सीबीआई इनकम टैक्स दो मिनट के अंदर पहुंच जाता है किसी कहीं भी आरोप विपक्ष में आरोप होता है तो पहुंच जाता है दो मिनट के अंदर, तो देश के अंदर कोई जांच एजेंसी नहीं है जो जांच कर दे इस चीज की, बैठा ली तो जांच कमेटी उनकी जांच उन्हें मंजूर नहीं है, पहलवान क्या कर रहे हैं काम, पहलवानों को कमेटी नकार दी है, पहलवानों ने नकार दी जांच, पहलवानों की बात मान लो, पहलवानों की बात मान लो ना, कमेटी की बात नहीं मानेंगे, पहलवानों की बात मान, सुप्रीम कोर्ट की बात पहलवान ये अपना अपना काम छोड़ के यहाँ पर जंतर मंतर बताइए, सुनिए जायज सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए आप और इनका झगड़ा होता है एक तरफा कोई आपका साथ दे देगा क्या, इनका भी इनकी भी तो बात सुनी जाएगी ना, तो इनके साथ में एक एक आदमी है ब्रजभूषण सिंह जो 15 सालों से उसमें बने हुए हैं कुश्ती संघ के अंदर, तो वो आज कोई संघ लड़कियां आगे आई है देश की तो गलत बोल रही है क्या, जो बोल रहा हूँ मैं तो आज अपने ऊपर कौन महिला अपने ऊपर चरित्र के ऊपर सवाल तो यही है, जैसे लड़कियां गलत नहीं बोल रही ऐसी ब्रजभूषण शरण भी तो कह रहे हैं मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, वो भी तो मंत्री है सांसद है 6 बार के, इस्तीफा दे दो कुछ नहीं तो इस्तीफा दे दो।